नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, सफल खेती के लिए अति आवश्यक होता है कि हम जो है हमारी पौधे जो होती है, हमारी जो फसल होती है, उसमें हम अच्छी नर्सरी का चयन करें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो पूरी होने वाली है कि हम एक स्वस्थ नर्सरी किस तरह से तैयार करते हैं वह आप लोगों को दिखाएंगे। अभी देख पा रहे हैं, यह पूरा पॉली हाउस है। यहाँ पर हमारे पास गोभी की, भट्टे की, करेले की अभी नर्सरी तैयार की जा रही है। टमाटर की अलग अलग वेराइटियाँ हैं। तो अभी हम जिन फार्मर से आपको मिलाने वाले हैं, वो तो 100 एकड़ से ऊपर में खेती करते हैं। तो वो जो खेती कर रहे हैं, तो उनको अनुमान है कि एक किसान भाई को किस तरह की नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से उसको पूर्ति करते हैं। अरे नमस्कार अतुल भैया। तो भैया, यह काफ़ी अच्छी नर्सरी आपने तैयार करके रखी हुई है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भाविन जी से जो है वह एक करेले की वीडियो पे, इनके फार्म पे काफ़ी अच्छी बेहतरीन उसमें वीडियो ली थी। उसके बाद फिर टमाटर की ली थी। तो अभी देख, हम फार्म में विजिट ही कर रहे थे, तो भैया ने यहाँ पर नर्सरी तैयार करके रखा है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से आपने नर्सरी तैयार करके रखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भैया। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो नए दर्शक होंगे उनको अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम भाविन चावड़ा है और मैं यहाँ रायपुर गोमची ग्राम में स्थित खेती करता हूँ सब्जियों की। और उस सब्जियों को उगाने के लिए हमें नर्सरी की, अच्छी स्वस्थ नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने खुद की ही नर्सरी चालू कर ली, क्योंकि हमें खुद बहुत इतनी नर्सरी की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो बस उसी में अभी लगे हुए हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पर हम करेले की नर्सरी देख पा रहे हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी नर्सरी यहाँ पर? तो मुझे काफ़ी सारी नर्सरी दिख रही है। करेले की है, टमाटर की है, टमाटर की पूरी हो गई, गलका, तुरई, तुरई की हो गई, मिर्ची जी, बंधी और उस तरफ और थोड़ी दूसरी वैरायटीज भी है, वो वाटरमेलन जी। तो इस तरह जो भी ऑर्डर रहता है उस हिसाब से हम तैयार करके किसानों को देते हैं जी। तो इसकी जो एक स्वस्थ नर्सरी की शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है, उसको किस तरह से आप जो प्लग ट्री नर्सरी आप जो सिस्टम से लगाते हैं उसकी शुरुआत कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। प्लग ट्रे नर्सरी में ना बिल्कुल सॉइललेस नर्सरी तैयार करते हैं जी। इसलिए इसमें मरने वाले जो जीव रहते हैं, जो डैम्पिंग ऑफ लगती है जी, खास करके नर्सरियों में जी, वो उसमें वो कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता ही नहीं है जी। क्योंकि हम इसमें कोकोपिट का यूज करते हैं जी। इसमें भी देख सकते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, इधर आप जैसे दिखा दूं, ये जो है ये मीडिया कोकोपिट है जी। इसमें सॉइल का बिल्कुल यूज नहीं करते। और ये भी कोकोपिट है वो स्टराइल्ड है जी। मतलब इसमें गारंटी रहता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है जी। चाहे फंगल हो या चाहे बैक्टीरियल हो, जो भी जमीन में हमारे बीमारी लगती है जी, पेड़ों को, वो यही फंगल या बैक्टीरियल ही वो उसको पेड़ को मारता है जी। जो डैम्पिंग ऑफ खास करके जो हमारी छोटी नर्सरी में लगती है जी, उससे मतलब किसान भाई इतने महंगे महंगे सीड्स लेते हैं तो जी, इसमें काफी अब जी। तो इसमें क्या, सॉइललेस नर्सरी तैयार करने के कारण एक श्योरिटी हो जाती है कि हमारी नर्सरी में कोई भी मृदा जनिक रोग नहीं है जी। तो एक स्वस्थ नर्सरी हम तैयार कर पाते हैं। और इसकी वजह ये भी है क्योंकि जैसे आज करेले का अभी अपन देख ही रहे हैं जी, तो ये एक बीज खुद में ही 2.5 रुपए का है जी। तो अब ये इतना कॉस्टली सीड होते जा रहा है कि हम उसको डायरेक्ट सोइंग खेत में करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी आ जाती है, या कोई कीड़ा खा जाता है जी। तो वो सब इशू के कारण बहुत ज़्यादा बीज हमारा ख़राब हो जाता है जी। तो इसमें क्या रहता है कि एक तो मृदाजनिक रोग नहीं रहेंगे, कीड़े कोई काटने वाला डर नहीं रहेगा जी, वायरस फ्री क्योंकि हम पॉली हाउस में कर रहे हैं जी, कोई भी फंगल बैक्टीरियल अटैक ऊपर से भी नहीं हो पाता। तो ये सब श्योरिटी के कारण हम एक 100% स्वस्थ नर्सरी अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर पाते हैं जी। तो उसके बाद फिर जैसे हमने इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं जी, फिर उसमें बीज जो है हम किस तरह से लगाते हैं? बीज जो है हम अब देख लेते हैं जी। पहले हम ब्रिक्स आते हैं, कोकोपीट के ब्रिक्स, उसको पानी में घोलने के बाद इस ट्रे में डालते हैं जी, फिर गड्ढा करके हम बीज लगाते हैं जी, फिर उसको फिर से बंद करते हैं और फिर उसको हम ब्लैक बॉक्स एक बनाते हैं ताकि इवन जर्मिनेशन आ सके, एक इवन टेम्परेचर रूम में रखते हैं जी, तो 100% हम जर्मिनेशन ले सके, ताकि फिर उसको यहाँ पे हम ओपन करते हैं जी। और फिर आप देखेंगे जैसे एक आध दो ट्रे वहाँ पे
आप देख सकते हैं कि जर्मिनेशन आ रहा है, तो उसको आप दिखा सकते हैं यहाँ पे ओपन करने के बाद उस तरीके से वो फूट के बाहर निकलता है जी। और फिर हम कुछ नर्सरी 12 दिन लेती है, कुछ 15 दिन लेती है, कुछ एक महीना लेती है जी। तो उस हिसाब से उतना दिन यहाँ पे उसको तैयार करके हम किसानों को या खुद भी यूज़ करते हैं जी। तो इसमें जैसे खाद पानी किस तरह से देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसमें कोई स्प्रे भी करते हैं फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का? क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है जी, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि सॉइललेस हम लोग तैयार कर रहे हैं कोकोपिट में लक्ट्रे नर्सरी में, तो इसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मरने की शिकायत कोई आए जी, है ना। तो हम कुछ स्प्रे करने का तो कुछ जब बहुत रेयरली कुछ दिखता है तभी करते हैं जी, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वही तो उसी से बचने के लिए तो हम इतना सब खर्चा करके तैयार कर रहे हैं इस नर्सरी को, तो वो तो बहुत रेयरली होता है। और खाद इसमें? और खाद पानी जो है हम इसमें फर्टिगेशन सिस्टम हमारा अलग से बना हुआ है जी। स्वस्थ नर्सरी की हमारी पहचान किस तरह से होती है उसके बारे में बताएंगे? तो ये करेले की नर्सरी हमारी लगभग तैयार है जी, 102 दिन में डिस्पैच के लायक लगभग हो जाएगी, तो इसको देख के अपन समझ सकते हैं। मेन क्या रहता है कि हमें खेत में लगाते टाइम कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। प्लग ट्रे नर्सरी अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक हेल्दी हार्डी नर्सरी हम लगाएं, ताकि जब हम ट्रांसप्लांट करें तो मॉर्टेलिटी बिल्कुल मत आए, ज़ीरो पेड़ हमारे एक भी मरे जी। तो उसके लिए एक अच्छा हार्डी प्लांट रहना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लैंकी नहीं रहना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लैंकी नहीं है जी। स्टेम अच्छा गर्थ रहना चाहिए जी। रूट्स पूरा कवर्ड रहना चाहिए जी कोकोपिट का, ताकि निकाले तो कोकोपिट टूटे नहीं लगाते टाइम तक, टीपी करते टाइम लगाते टाइम तक बिल्कुल ये कोकोपिट का बॉल टूटे नहीं। लगाने के बाद में स्टेम अगर गर्थ अच्छी है, हार्डी थोड़ी सी है नर्सरी जी, तो पानी वानी गिर जाए या कितना भी हवा तूफान आ जाए तो ये मॉर्टेलिटी से बची जाए कैसे भी करके जी। तो किसान भाइयों, आपने वीडियो में पूरा देखा कि एक स्वस्थ नर्सरी किस तरह से होती है, उसकी पहचान क्या होती है, या फिर हम जैसे कि नर्सरी जो है इस तरह से प्लग ट्रेन से तैयार करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे निकल कर आते हैं। ठीक, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने जो है हमारे दर्शकों को, उम्मीद करता हूँ उसमें आप लोगों ने नर्सरी जो प्लग ट्रेन नर्सरी सिस्टम के बारे में हमारी जानकारी दी है। तो किसान भाई, वीडियो में आपने पूरा देखा कि हम यहाँ पर जो है ये जो प्लग ट्रे नर्सरी होती है उसको किस तरह से तैयार करते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा महत्व के बारे में बात किया। तो इसमें जो चूँकि हमारे इसमें थोड़ी सी लागत बढ़ तो जाती है, थोड़ा सा हमारा जब ओपन फील्ड में जो किसान भाई करते हैं उससे थोड़ी सी लागत बढ़ तो जाती है, लेकिन उसके फ़ायदे उतने ही ज़्यादा निकल कर आते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें जो हमारा रूट का डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, इसको हम जब टीपी करेंगे तो टीपी करते ही इसमें हमको जो है प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। सीड के रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो इसमें जर्मिनेशन रेट जो है 95% से ज़्यादा होता है, तो इसमें सीड जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। सीड का जो कॉस्ट होता है उसमें हमको बचत देखने को मिल रही है, जो हम ओपन फील्ड में करते हैं उससे कम कॉस्ट में हमको ये नर्सरी मिल जाती है। यदि दोस्तों आप लोगों को यहाँ से कोई सी भी पौधे आपको तैयार करवाने हैं, नर्सरी तैयार करवानी है, तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि हम आपको नर्सरी तैयार करनी होगी तो आप जो भी नर्सरी आपकी डिमांड में होगी उस पर हम काम करेंगे। और साथ ही जैसे कि फार्मर ने बताया कि 150 से प्लस एकड़ में वो फार्मिंग करते हैं, तो खुद वो ट्रायल करते हैं कौन सी वैरायटी अच्छी है, तो अच्छी वैरायटी का भी चयन करने को इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा डिटेल्स आप जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा डिटेल्स है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आप जाकर के इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।